नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए ब्लाउज का बहुत ही सुंदर सा नेक डिजाइन लेके आया हूँ। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो जैसे मैंने बताया था आपके लिए जो मैं नेक डिजाइन लेकर आया हूँ, इस डिजाइन को समझने के लिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखने के बाद अगर आपको ये पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले मटेरियल के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे हमने ब्लाउज की कटिंग की हुई है और ये बैक साइड ली हुई है। अस्तर हमने ज्वाइंट किया हुआ है और डिजाइनिंग के लिए हमने ये फैब्रिक लिया हुआ है। जो साड़ी में कलर कॉम्बिनेशन होता है उसी को आप डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। और ये मैंने बुकरम ली हुई है जिसमें से हम गले की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग हम यहाँ पे स्वीट हार्ट गले की कटिंग करेंगे। तो ये बुकरम मैंने डबल फोल्ड की हुई है इस प्रकार से। यहाँ पे जो हम ब्रॉड लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच इस प्रकार, और डीप लेंथ हमने यहाँ पे रखनी है 8 इंच। 8 इंच तैयार रखनी होती है तो हम 8.5 इंच पे निशान लगाते हैं इस प्रकार। सबसे पहले यहाँ पे हम चौरस गले का निशान लगा लेते हैं, स्क्वेयर नेक। इसके बाद हम यहाँ पे स्वीट हार्ट शेप देंगे इस प्रकार से। ये हमने यहाँ पे स्वीट हार्ट गले की निशान लगा लिए हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हम कट करते हैं। अब हम बाहर की साइड 1/2 से 1.5 इंच का एक निशान इस प्रकार से लगाते हैं और इस निशान के ऊपर भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहां पे हमने स्वीट हार्ट गले की कटिंग कंप्लीट की है। जो हमारे पास ये बुकरम है, ये पेस्टिंग वाली बुकरम है, तो इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने गला अपना पेस्ट कर लिया है और बाहर की साइड हल्का हल्का कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर दिया है। अब हम यहां पे देखेंगे जो हमारा फ्रंट ये आएगा गला इस प्रकार आएगा। गला हमारा इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे ऊपर के लिए हमने ये पट्टी कटिंग की हुई है। ये रेव वाली पट्टियां होंगी हमारी और रेव वाली इस प्रकार से। और एक डिजाइनिंग हमें और कटिंग करनी है यहाँ पे, जो हमारे बीच में से एक पीस बचता है इसी में से कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस प्रकार के इस तरीके की शेप की हल्की हल्की पीस कटिंग करेंगे छोटे छोटे। इनकी लंबाई चौड़ाई आप कम ज्यादा कर सकते हो। यहां पे एक पीस मैंने ये कटिंग कर लिया है पत्ती टाइप। हम तकरीबन 8 से 10 पीस इस तरीके के ही कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने सभी पीस अपने कटिंग किए हैं पहले, और कटिंग करने के बाद हमने इस प्रकार से पेस्ट कर लिए हैं। इनको अच्छे से हमें पेस्ट करना होता है, कहीं पे भी कोई भी पीस हमारा लूज ना रहे, नीचे से कपड़ा ना छोड़े, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हमें हर गोलाई में यहाँ पे पाइपिंग निकालनी होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेव वाली पट्टियां कटिंग की हुई है, क्योंकि हमें यहाँ पे पाइपिंग निकालनी है। अब हम स्टिचिंग दिखाते हैं। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम ये पीस तैयार करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको एक पीस पहले तैयार करके दिखाऊंगा। इस प्रकार से हम बुकरम के साथ साथ कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे पाइपिंग लेंगे, पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने के लिए और रेव वाली पट्टी हमने ली हुई है। यहाँ पे हम इस प्रकार से रखेंगे और रेव वाली पट्टी एक साइड में इस तरीके से। तो जितनी चौड़ाई से हमें पाइपिंग निकालनी है उतनी चौड़ाई से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
अगर कहीं पे आपको दबाव ज्यादा लगता हो तो आप इस प्रकार से उसको हल्का कम कर ले, क्योंकि पाइपिन की सेव हमारी बराबर होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे आगे का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेते हैं और इस प्रकार से इसको कपड़े को पलट लेते हैं। पलटने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारी बहुत ही सुंदर तरीके से पाइपिंग तैयार आएगी। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं या इसको प्रेस से सेट कर लेते हैं। अगर आप सिलाई लगाना चाहो तो इस प्रकार सिलाई भी लगा सकते हैं। ये सिलाई हमें पाइपिंग के साथ साथ लगानी होती है। इस प्रकार की हमारी यहाँ पे पत्ती की सेव आ जाएगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है पाइपिंग वाला, उसको हम यहाँ पे इस प्रकार कट कर लेते हैं। इसी प्रकार के दोस्तों हमें यहाँ पे सभी पीस तैयार करने हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे सभी पीसों में पाइपिंग निकालते हुए बहुत ही सुंदर से कंप्लीट की है। नीचे की साइड इस प्रकार आएंगे और सीधी साइड हमारी इस प्रकार से रहेगी। अब हमें इनको साइड में रखना है और यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से जो सिंपल नेक तैयार होता है उसको हम तैयार करते हैं। वीडियो बड़ी ना हो इसलिए पहले मैं नॉर्मल तरीके से सिंपल सा नेक तैयार कर लेता हूं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे सिंपल गला तैयार कर लिया है, जैसे नॉर्मल करते हैं सेम उसी तरीके से, क्योंकि सिंपल गले की मैंने वीडियो इसलिए नहीं दिखाई है आपको ताकि वीडियो छोटी रहे बड़ी ना हो। अब हमने यहाँ पे ये पैच अटैच करने हैं, जो हमने ये पीस है ये अटैच करने हैं। इनको अटैच करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, एक तो नीचे का जितना हमें फोल्ड रखना होता है, यहाँ पे जितना हमें फोल्ड करना है ये निशान लगाएंगे, और साइड में कमर का निशान जहां पे हमारी कमर ज्वाइंट होती है इस प्रकार से, और यहाँ पे हम इस तरीके से जो हमारा ये नेक लाइन होगी बिल्कुल सीधा इस प्रकार से यहाँ पे निशान लगाएंगे, आधा इंच छोड़ते हुए, एक पैर छोड़ते हुए, क्योंकि एक पैर की हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है ऊपर से, तो हम यहाँ पे ये निशान कंप्लीट करते हैं। अब हम यहाँ पे इन पीसों को जैसे अटैच करने होते हैं यहाँ पे हम इस प्रकार से अटैच करेंगे। इस प्रकार से सभी पीस हमारे यहाँ पे इस तरीके से आएंगे और इनको अटैच करने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके की पट्टी लगाते हैं। एक पट्टी हमने तैयार की हुई है, ये वाली पट्टी होगी, ये हम इस प्रकार से ऊपर से लगाते हैं ताकि ये आगे की जो नोक होती है ये भी हमारी अच्छे से इसमें दब जाए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक साइड कंप्लीट करनी है ये पट्टी लगाते हुए, इनको हम बाद में लगाएंगे। ये सिर्फ मैंने आपको एक बताया है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ये अटैच करनी है, क्योंकि जो हमारी ये वाली साइड होती है इसको हम यहाँ पे हल्का सा गैप रखते हुए इस तरीके से अटैच करते हैं, ऐसे इस प्रकार रखेंगे यहाँ पे पट्टी, और जितनी चौड़ाई पट्टी की होती है हमारी इतना ही हम यहाँ पे गैप रखते हैं। दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। यहां से हम कटिंग कर लेते हैं। अब हमें
एक पट्टी जैसे यहाँ पे अटैच करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन पीसों को एक एक करके अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे जितना हमने यहाँ पे गैप रखा है तो इतना ही गैप हम इधर रखेंगे। इस प्रकार से हमारा ये पीस आएगा। अगर आपके पास पीस थोड़े बड़े हों तो इनको इस प्रकार से छोटे कर ले, इस तरीके से यहाँ पे इस प्रकार रखेंगे और इस तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है। फिर से हमें दूसरा पीस बराबर गैप रखते हुए आगे की साइड इस प्रकार रखना है। यहां पे भी हम पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाते हैं। अब हम तीसरा पीस लेंगे और सेम इसी तरीके से हम पूरे ब्लाउज में यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जैसे मैंने रख के दिखाए थे इसी प्रकार आगे तक हम कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने सभी पीस अपने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे ऊपर से पट्टी लगानी है। ये जो हमने पट्टी तैयार की हुई है यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे और इसको अटैच करेंगे। और आगे यहाँ इस पॉइंट पे आते हुए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा बराबर गैप रहना चाहिए दोनों पीसों में, इस साइड भी और इस साइड भी। आप पट्टी को चाहे इधर से शुरू करें चाहे इधर से, ये आपकी इच्छा है। यहाँ पे बराबर गैप रखते हुए इस प्रकार से अटैच करना शुरू करेंगे। इस पॉइंट पे यहाँ पे नोक बनाएंगे जैसे हमने इस साइड बनाई है। अब हम दूसरी साइड भी यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने दूसरी साइड भी पट्टी पे सिलाई कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा हमारा ये डिजाइन तैयार हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।